सत अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बताऊंगा आपने थंबनेल में देखा होगा वोटर सर्विस के ऐसे तीन तीन इंपॉर्टेंट सर्विस के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रेश वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपका अगर एलिजिबल हो चुका हो वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो फ्रेंड्स 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप अगर एलिजिबल हो तो किस तरह से आप वोटर आईडी कार्ड मंगवा सकते हो, किस तरह से आप नाम लगवा सकते हो अपना जो नाम है, और मतदान के लिए किस तरह से लगा सकते हो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही और एक बात आपको बताऊंगा जो कि आधार लिंक के बारे में, ठीक है। आधार लिंक वोटर आईडी के साथ आप कैसे करोगे, वोटर आईडी के साथ अपना जो आधार नंबर है वो किस तरह से आप लिंक करोगे ताकि कोई फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और एक बात मैं बताऊंगा जो कि करेक्शन के ऊपर, अगर आपका इपिक में कोई भी करेक्शन अगर आप करना चाहते हो, कोई भी मिस्टेक आपका है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम या कुछ भी आपका गलत है, तो ये किस तरह से आप करेक्शन कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगा। और एक पॉइंट मैं बताऊंगा जो कि ईपिक के बारे में बताऊंगा। आपको मालूम होगा आप जहाँ भी जाओ वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपना आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड जिस तरह से आप ई आधार डाउनलोड कर सकते हो, सेम इसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपका साथ में ले घूमने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ भी जाओ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना वोटर आईडी कार्ड अपने मोबाइल पर और कंप्यूटर पर, आप जिससे भी चाहो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ईपिक के साथ आपको जोड़ना होगा, आपका वोटर आईडी कार्ड जो है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना होगा, तभी आप लोग ये फैसिलिटी जो है वो आप कर पाओगे। तो इस मोबाइल नंबर को आप कैसे आपका वोटर आईडी के साथ जोड़ना है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा। और ईपिक आपको कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपका फुल समझ में आए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो, नए हो मेरे चैनल में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो जो सर्विस के बारे में बताऊंगा ये सारा सर्विस आपका बहुत सारा काम आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को फुल देखना, तो मैं कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जाके मैं आपको एक एक फैसिलिटीज एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग ये सारा का जम काम कर सकते हो, अपना ईपिक कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो आधार कार्ड की तरह, जिस तरह आधार कार्ड आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इसी तरह से आप अपना जो ईपिक कार्ड है वोटर आईडी कार्ड है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तीसरा, जो आपका जो 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन में अगर आप मतदान करना चाहते हो तो आपका नाम किस तरह से जोड़ना है ईपिक में वोटर आईडी कार्ड में, तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका नाम मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, जेंडर मिसमैच है, अगर आपका डेट ऑफ बट मिसमैच है, तो आप किस तरह से करेक्शन करोगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, ये सारा कुछ बताऊंगा। मतलब वोटर आईडी के रिलेटेड सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेगा जो कि ये सारा सर्विस आपको एक ही वीडियो में मिले। तो गाइस, इस वीडियो में सारा कुछ मैं बताऊंगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आप सारा का सारा वोटर आईडी रिलेटेड जो समस्याएं होता है, जो प्रॉब्लम्स होता है आप जान पाओगे। अगर आपका कोई भी इश्यूज होता है और इनके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे वीडियो का कमेंट जरूर करें ताकि आपका जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आपका जो इश्यूज है वो आप जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा प्रोसेस है मैं कंप्यूटर पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करें, कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको फुल समझ में आए। तो चलिए, मैं लैपटॉप पर स्क्रीन पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, हर एक फैसिलिटीज में आपको दिखाऊंगा वोटर आईडी कार्ड को, ठीक है। तो वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि वोटर आईडी कार्ड रिलेटेड सारा सर्विस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर देख सकते हो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, तो इस पोर्टल में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप 2024 में आने वाला इलेक्शन में आप किस तरह से अपना वोटर आईडी कार्ड में नाम लगा सकते हो, अपना नाम जो हो किस तरह से मतदान के लिए आप अप्लाई कर पाओ, अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर पाओ, तो ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो बताऊंगा, अगर आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है उसमें अगर कोई गलत है, कोई मिसमैच है आपका नाम, आपका पिता का नाम या आपका रिलेशनशिप का नाम, ठीक है, या फिर आपका जेंडर या फिर आपका जो एज होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, वो अगर आपका मिसमैच है तो आप किस तरह से आप करेक्शन कर पाओ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा।
करूंगा और बताऊंगा कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो किस तरह से आधार कार्ड के साथ जोड़ सकती हो वो भी मैं बताऊंगा, और भी बताऊंगा आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, आप जहां भी जाओ आपका वोटर आईडी कार्ड आप किस तरह से डाउनलोड कर पाओगे अपने मोबाइल के जरिए, ठीक है। आपका जो वोटर ईपिक है वो किस तरह से आपका डाउनलोड हो, जैसे आपको पता है आधार कार्ड कहीं भी जाओ आप डाउनलोड कर सकते हो ई आधार कार्ड, इसी तरह से आप वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो इसी स्टेप आप फॉलो करके। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करें, फुल वीडियो देखें तब के आपको फुल समझ में आए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वोटर आईडी कार्ड का जो सर्विस है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ठीक है, ये नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। तो इस वेबसाइट पर आपको चले आना है, इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे रखा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रॉम आसाम, यहाँ पे देख सकते हो फॉर फॉर्म सबमिशन फॉर आसाम बिहार चंडीगढ़ गोवा गुजरात हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश मिजोरम राजस्थान तेलंगाना एंड उत्तराखंड प्लीज़ क्लिक। तो इस यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है, अगर आप आसाम बिहार चंडीगढ़ गोवा गुजरात हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश मिजोरम राजस्थान तेलंगाना एंड उत्तराखंड से बिलोंग्स करते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आपको चले जाना होगा, ठीक है, voter.eci.gov.in। अगर आप इस यहाँ पे दिए गए स्टेट पर आप बिलोंग्स नहीं करते तो आप इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आपका यहाँ पर लॉग इन करके। अगर आप आसाम बिहार चंडीगढ़ गोवा गुजरात हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश मिजोरम राजस्थान तेलंगाना एंड उत्तराखंड से हो तो इस पोर्टल का यूज़ करें। ये पोर्टल यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो ये दूसरा एक टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे खुल के आ गया है हमारा नया पोर्टल जो कि यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पे लिखा रहा था कि मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे लॉग आउट ताकि आपको समझ में आए फर्स्ट से, ठीक है। तो गाइस आपको इसी तरह से आपको मिल जाएगा आपका जो पोर्टल है इंटरफेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो फ्रॉम सिक्स, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम सिक्स रजिस्टर एज ए न्यू वोटर, ठीक है। आपका अगर 2024 में आप नया डालना चाहते हो, आप अगर एलिजिबल हो नया वोट के लिए नया वोटर आईडी के लिए तो फ्रॉम 6B आप फिलअप करना पड़ेगा, 6B आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो फ्रॉम 6A रजिस्टर एज ए ऑब्जर्व वोटर, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तीसरा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम 6B इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिटिंग इलेक्टर्स, ठीक है। 6B मतलब ये होता है आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड से किस तरह से जोड़े, ठीक है, मतलब वोटर आईडी कार्ड लिंक किस तरह से करे आधार कार्ड के साथ। तो फ्रेंड जैसे आपका मालूम है पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, ठीक है, तो इसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी आधार कार्ड के साथ लिंक करना पड़ता है। तो वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से किस तरह से आप लिंक करोगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो करेक्शन, आप वोटर आईडी कार्ड करेक्शन किस तरह से कर सकते हो, अगर आपका नेम आपका रिलेशनशिप नेम आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या कुछ भी आपका गलत है, अगर आप फोटो रिप्लेस करना चाहते हो, ये भी मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। और बताऊँगा आप ईपिक, यहाँ पे देख सकते हो ईपिक डाउनलोड आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, आप जहां भी जाओ आप अपने मोबाइल के जरिए आप ईपिक डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपको पता होगा आप ई आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, सेम इसी तरह से आप ईपिक डाउनलोड करके आप कुछ भी काम में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपका वोटर आईडी कार्ड जो ओरिजिनल है वो आपको कैरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ईपिक डाउनलोड करके आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो ये ईपिक डाउनलोड करने के लिए कौन से फैसिलिटीज आपको चाहिए होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक अकाउंट बना लेना है, यहाँ पे साइन अप पर आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे साइन अप कर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस आपको यहाँ पे कुछ फिल करने के लिए बोल दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटर मोबाइल नंबर और कैप्चा, यहाँ पे जब आप सेंड OTP करोगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसके बाद आपका अगर वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यह है रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, आप ऐसे मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको इंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पासवर्ड एडिट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
वेरीफाई हो जाने के बाद आपको लॉगिन बटन पर चले जाना है। तो लॉगिन बटन पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे डैशबोर्ड खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आपको जो भी सर्विस मैंने बताया सब कुछ मैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ईपिक के बारे में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ईपिक डाउनलोड, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ईपिक डाउनलोड अगर आप करना चाहते हो तो सिंपली आपको ईपिक यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे ईपिक आपको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर ईपिक नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका ईपिक आपको यहाँ पे आपका ईपिक नंबर यहाँ पर डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हो असम, मैं असम से बिलोंग्स करता हूँ इसलिए मैं असम सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सर्च बटन पर आप मैं क्लिक कर दूंगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेरा जो एड्रेस है यह यहाँ पे आ गया है, ठीक है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस और यहाँ पे जैसे मैंने ओटीपी पर सेंड कर दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मैं वेरीफाई करके डाउनलोड कर सकता हूँ। तो गाइस आपके क्षेत्र में यह नहीं भी हो सकता है क्योंकि आपका मोबाइल नंबर अगर मोबाइल नंबर आपका ईपिक से लिंक नहीं होगा तब आपका ईपिक डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देने का जरूरत है। जैसे ही मैंने अपना ईपिक नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया मेरा डिटेल्स शो हो गया है, आपका भी शो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका शो नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं दूसरा ईपिक नंबर यहाँ पे डाल के देख दे आपको दिखाता हूँ कि क्या एरर आता है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा ईपिक नंबर डाल दिया और यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक कर दिया। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूअर मोबाइल नाउ इज नॉट रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल, तो आपका भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा, आपका फादर नाम यहाँ पे आ जाएगा लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ब्लैंक है। जैसे कि मेरा जो ईपिक नंबर मैं अगर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ तब यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सर्च बटन पर जैसे मैंने क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल नंबर आ गया है और यहाँ पर ओटीपी सेंड करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से मैं वही ईपिक नंबर डालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है योर मोबाइल नो इज़ नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे और एक आपको देखने को मिल जाएगा द फेसिलिटी टू अपडेट योर मोबाइल नो इज़ अवेलेबल फ्रॉम 8। तो फ्रॉम 8 आपको फिल करना पड़ेगा, फ्रॉम 8 आपको अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप अपना जो ईपिक है वो डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप फ्रॉम 8 आप कैसे फिल कर पाओ, आपका मोबाइल नंबर कैसे आप अपडेट कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे जिस तरह आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर आप लिंक नहीं करोगे तब तक आप ई ईपिक डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ई ईपिक डाउनलोड करने के लिए फैसिलिटी नहीं आएगा तो इसके लिए आपको मोबाइल नंबर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिंक कैसे करोगे, तो लिंक करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करेक्शन में जाके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म्स, तो ये फॉर्म्स पर आपको चले जाना है। तो फॉर्म्स पर आपको चले जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली क्या बोला था फ्रॉम 8, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फॉर्म फॉर शिफ्टिंग करेक्शन रिप्लेसमेंट ऑफ ईपिक मार्किंग पीरियबिलिटी। तो बस यहाँ पे ही सारा मामला है। तो मैंने जो आपको बताया था कि आपका अगर कोई भी मिसमैच है नाम में, रिलेशनशिप नेम में, ठीक है, आपका फादर नेम में, आपका जेंडर में, आपका डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर आप फोटो आप रिप्लेस करना चाहते हो, आपका जो ईपिक का जो फोटो है वो फोटो अगर आप चेंज करना चाहते हो और अगर आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर फ्रॉम 8 पर ही मिल जाएगा। तो सिंपली फ्रॉम 8 पर आप क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फ्रॉम 8 पर आप लिंक कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका जो यहाँ पर सेल्फ या आधार इलेक्टोर आप किसका आप लिंक ये सब करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप खुद का है तो यहाँ पर खुद दे सकते हो, अगर आधार इलेक्टोर का है तो आधार इलेक्टोर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर आधार इलेक्टोर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो ईपिक जो मैंने अभी आपके दिखा था कि वो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वही ईपिक नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो शिफ्टिंग और रेसिडेंस, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो कोई यहाँ से आप कोई दूसरा में जाना चाहते हो तो इसके लिए है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा करेक्शन, अगर आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको करेक्शन बटन पर क्लिक कर देना है। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन, अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड आप ला सकते हो, ठीक है, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी है कहीं खो गया है, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं। तो रिक्वेस्ट फॉर मार्किंग एज पर्सनल डिसेबिलिटी ये भी मुझे ज़रूरत नहीं। तो मैं करेक्शन पर आप मैं चला जाता हूँ। करेक्शन पर आपको क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएगा और अगर आपका कोई दूसरा अगर आप करेक्शन करना चाहते हो नाम या फोटोज़ तो आप कर सकते हो। तो सिंपली करेक्शन पर आपको चला जाना है, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप ओके बटन पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यस बटन पर आपको चला जाना है। तो यस बटन पर क्लिक कर देने के बाद तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर दोगे तो गाइस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपका आधार नंबर पर क्लिक करके आपको आधार नंबर यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर क्लिक करके आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे खुल जाएगा, जिससे मैंने आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जैसे आप ये फिल करोगे ना, तो जैसे आप ये फिल करोगे नेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे हाइड हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना कि आप किस तरह से कर सकते हो। वहाँ पे आप यहाँ पे नाम आप चूज करोगे तो आप नाम करेक्शन करना सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। आप ऐसे करेक्शन करना पाओगे, ठीक है, करेक्शन कर पाओगे। नेम अगर जेंडर मिसमैच है तो जेंडर, अगर डॉब मिसमैच है तो डॉब, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप अगर करना चाहते हो तो रिलेशनशिप टाइप, रिलेटिव नेम अगर करना चाहते हो आपका फादर नेम तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस, तो गाइस आपको क्या करना है, ई पी अगर डाउनलोड कर नहीं कर पा रहा तो आपका मोबाइल नंबर पर आपको चला जाना है, ठीक है। अगर आपका नेम या फोटोज यहाँ पे देख सकते हो, फोटो अगर करना चाहते हो तो फोटो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हो ई पी डाउनलोड कर लेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर पर आप क्लिक कर दोगे और आपको यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिलेटिव नाम में अनक्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दोगे, सेंड ऑटो पे कर दोगे, उसके बाद वेरीफाई कर दोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको कैप्चा फिल करके आपको सेव बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका ईपिक के साथ लिंक हो जाएगा, वोटर आई डी कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा और आप ई ईपिक डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका करेक्शन, ठीक है। अगर कुछ भी आप करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपका इश्यूज है तो मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आता हूँ अभी दूसरा में, ठीक है। ये यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये सब किया था। तो उसके बाद मैं आता हूँ आपका जो प्रॉब्लम है आधार लिंक, ठीक है। लिंक के लिए आपको यहाँ पे क्या करना, 6B यहाँ पे देख सकते हो, आधार कलेक्शन ऑफ एग्जिटिंग इलेक्टर्स। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है आप लिंक करना चाहते हो तो फ्रॉम 6B पर आपको चले जाना है। चले जाने के बाद आपको यहाँ पर सेम ईपिक नंबर आप यहाँ पर डाल दोगे और वेरीफाई एंड फिल पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ई ईपिक नंबर ऑलरेडी लिंकेड, मेरा जो ईपिक नंबर है वो ऑलरेडी लिंकेड है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लिंक है कि नहीं। जैसे आप ईपिक नंबर डाल दोगे वेरीफाई पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पर शो हो जाएगा, अगर आपका लिंक है तो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपना जो ईपिक है ईपिक लिंक कर सकते हो। तीसरा जो मैं बताऊँगा कि आप कैसे एक फ्रेश वोटर आई डी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन में अगर आप मतदान करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, फ्रॉम 6 आपको यहाँ पे फ्लैप करना है। यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर एंड न्यू वोटर, आपको यहाँ पर चला जाना होगा। तो न्यू वोटर पर चला जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, इस सारा फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म आपको फिलअप कर देना है, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका कंस्टिट्यूएंस आपको यहाँ पे दे देना है, ये सारा कुछ आपको फिलअप करना, आधार डिटेल्स दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहते हो, एक एड्रेस प्रूफ जो कि आधार कार्ड या बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका जो फादर का जो वोटर आईडी कार्ड है वो आपका चाहे होगा रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसका ईपिक नंबर आप यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे देख सकते हो फैमिली नंबर, तो फैमिली नंबर पर आपका फादर का या मदर का दे सकते हो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके अगर फादर है तो आप फादर का यूज़ करें। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको क्लिक करके आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक कर दोगे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपका 2024 में वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा और आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो पर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपका सहायता जरूर करूँगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।